तुम्हारे पास लड़ने की वजह है। अब देखो, पहले बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर के बीओसी यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सो इंडिया के अंदर इसका डे टू का कलेक्शन पहुंच चुका है 30 करोड़। डे वन में था 18.60 करोड़ एंड डे टू में रहा 11.50 करोड़, जो कि काफी कम हो गया। हालांकि आज संडे है, ईद भी है, तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। और वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो फ्राइडे को था $148 मिलियन, जिसमें कि 69.5 था यूएसए एंड बाकी 79.4 था ओवरसीज से। और जहां तक है वीकेंड तक ये मूवी इजीली 300 मिलियन पार कर लेगी। बाकी आपके हिसाब से ये मूवी कितना कलेक्शन डिजर्व करती है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। अब अगर बात करें अपकमिंग सीरीज दी सैंडमैन के बारे में, जिसके पर एपिसोड का कॉस्ट है $15 मिलियन, जिसमें कि है करीबन 11 एपिसोड्स, इट मींस गेम ऑफ थ्रोन्स पार्ट 8 से भी ज्यादा कॉस्ट है इसकी। एंड ऊपर से इसकी रेटिंग है TVMA यानी कि ओनली फॉर मैच्योर ऑडियंस, क्योंकि शो के अंदर सब कुछ है, ब्लड, वॉयलेंस, सेक्स, सब कुछ। और शो की कहानी बेस्ड है इसकी सेम नाम की ग्राफिक नॉवल के ऊपर, जिसे लिखा था नील गायमन ने काफी टाइम पहले करीबन 1980s में, एंड अब जाकर इसका टीवी एडेप्टेशन हो रहा है। और रिसेंटली शो से एक इमेज को रिवील किया गया है, जिसमें कि हमें देखने को मिलती है इस शो के दो मेन लीड्स, लूसिफर एंड द सैंडमैन। और साथ में इस शो के मेल लीड्स के कुछ पोस्टर भी रिवील किए गए हैं, जिसमें कि हमें इनके कॉमिक लुक्स भी देखने को मिलते हैं। बाकी ये शो आएगा 5 अगस्त 2022 को ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, और जल्दी आएगा इसका एक ऑफिशियल फुल लेंथ क्लिप प्रोबेबली जुलाई के मिड में। एंड आप में से कौन कौन शो के लिए वेट कर रहा है, प्लीज कमेंट #TheSandman। वेल, अगर बात करें दी बॉयज सीरीज के बारे में, तो रिसेंटली मैंने आपको इस शो के पार्ट 4 की फिल्मिंग को लेकर न्यूज दी थी, और साथ में ये भी इन्फॉर्म किया था कि शो का पार्ट 4 आपको कब तक देखने का मिल सकता है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चेकआउट कर लेना। पर हाल ही में शो के बॉस एरिक रिपके ने पार्ट 4 को फैंस के लिए हल्का सा टीज किया है, जिसमें कि वो कहते हैं इस बार ये शो फनी एंड काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है, जिसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपने कभी भी किसी शो में नहीं देखे होंगे। एंड इस शो के सभी मेन लीड्स अपने कोर इश्यूज को फेस करेंगे, जो कि वाकई फैंस के लिए इसे काफी ज्यादा एक्साइटिंग बनाएगा। शॉर्ट में कहूँ तो इस बार ये शो साइकोलॉजिकल होने वाला है, आपको ये अच्छा भी लग सकता है और ये बुरा भी। एग्जाम्पल के लिए इस सीन को देखो, कंफ्यूज भी है और मुस्कुरा भी रहा है, जो कि इस बात की ओर हिंट करता है कि मे बी आगे चलकर ये इस यूनिवर्स का मेन विलन बन सकता है, और सबसे खतरनाक भी, प्लस हरामी भी। बाकी आप में से कौन कौन इस शो के लिए वेट कर रहा है, प्लीज कमेंट #TheBoys4। अब देखो, अगर बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन के बारे में, तो रिसेंटली इसके बारे में एक डिटेल निकल के आई है, जो कि वाकई गॉड के फैंस को जाननी चाहिए। तो बात कुछ ऐसी है कि आपको शो के अंदर जो हाउस स्टार्क देखने को मिलेगा, तो इस बार उनके लोग काफी ज्यादा अलग होंगे नेड स्टार्क और उनकी फैमिली से, क्योंकि हमें गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर ये हाउस एक प्राइमरी प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो की तरह दिखाया गया है, जबकि हाउस ऑफ द ड्रैगन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कहानी के अकॉर्डिंग ये लोग वॉर के एंड में कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से इन्हें कहा गया ब्लड हंग्री यानी कि खून के प्यासे, और इस इवेंट का नाम है आर ऑफ द वुल्फ, जिसका एक कनेक्शन है ड्रैगन स्टार्क से, जो कि आपको इस शो के अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर जानना है तो नीचे #YES कमेंट कर देना, एक शॉर्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और वहीं इस बुक सीरीज की ऑथर मार्टिन ने ये रिवील किया है कि गॉड की अगली बुक विंड्स ऑफ विंटर की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स शो से काफी 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 ज्यादा अलग होने वाली है। बाय द वे, आप में से कौन कौन विंड्स ऑफ विंटर बुक के लिए वेट कर रहा है, प्लीज कमेंट #NightKing। बाकी फ्यूचर में शो के बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि आप में से कुछ लोग तो करते हैं और कुछ नहीं करते। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।